उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक SDM पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। यहाँ एक फर्नीचर कारोबारी ने SDM पर खरीदे गए फर्नीचर के पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है। व्यापारी का ये भी आरोप है कि पैसे मांगने पर SDM ने उसके घर बुलडोजर भेजकर एक दीवार तोड़वा दी। व्यापारी का नाम जाहिद अहमद बताया गया है। वहीं जिस SDM पर उन्होंने आरोप लगाया है उनका नाम घनश्याम वर्मा है। वो बिलारी में SDM के पद पर कार्यरत हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि कारोबारी के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण से जुड़ी हुई है। आज तक से जुड़े जगत गौतम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मुरादाबाद की बिलारी तहसील के निवासी जाहिद अहमद का फर्नीचर का कारोबार है। उनके घर के पास ही आशीर्वाद फर्नीचर के नाम से उनका शोरूम है। जाहिद का कहना है कि बिलारी में तैनात SDM घनश्याम वर्मा उनके फर्नीचर शोरूम में फर्नीचर पसंद कर गए थे। SDM के आदेश के अनुसार फर्नीचर उनके बिलारी आवास और मुरादाबाद आवास भेज दिया गया, जिसकी कीमत 1,48,000 रुपए थी। जाहिद का आरोप है कि उन्होंने जब बिल भेजकर पैसे मांगे तो SDM ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद SDM दोबारा शोरूम आए और बताया कि उनकी बेटी अलका वर्मा हरदोई में डिप्टी जेलर के पद पर तैनात है और उनके घर के लिए भी सामान भेजना है। शोरूम में सामान पसंद करने के बाद उन्होंने सारे सामान की पैकिंग कराई, पूरा सामान गाड़ी मंगाकर मजदूरों के साथ हरदोई भेजा। 5 जुलाई 2022 को हरदोई सामान पहुंचने के बाद दोबारा से फर्नीचर कारोबारी 1,19,000 रुपए का बिल लेकर SDM के पास पहुंचे। व्यापारी के मुताबिक इस दौरान उनके साथ अभद्रता की गई। इसके बाद व्यापारी ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी और कमिश्नर को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की। मामले की जानकारी होने पर कमिश्नर ने ADM प्रशासन से जांच कर रिपोर्ट मांगी है। व्यापारी के मुताबिक इस शिकायत और जांच की जानकारी होते ही SDM नाराज हो गए। उनका आरोप है कि SDM ने 12 जुलाई की शाम उनका घर गिराने के लिए बुलडोजर के साथ प्रशासनिक टीम भेज दी। बुलडोजर से जैसे ही घर की दीवार गिराई गई, कारोबारी ने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी। उनके हस्तक्षेप के बाद बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई। मामले का दूसरा पहलू भी है। मुरादाबाद के DM शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि इस प्रकरण के दो पहलू हैं। उन्होंने बताया, शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि SDM बिलारी ने उनके घर पर बुलडोजर भेजकर इसलिए तोड़फोड़ की क्योंकि उन्होंने जो फर्नीचर खरीदा था उनके पैसे मांगे गए, लेकिन SDM ने बताया कि जाहिद अहमद ने तालाब पाट कर मकान बनाया है, उसे हटाने के लिए कार्रवाई की गई। इस प्रकरण की जांच ADM प्रशासन को सौंपी गई है। जल्द ही जांच रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। DM ने कहा है कि दोनों पहलुओं की जांच कराई जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। जाते जाते एक और बात, एक न्योता है, जुड़िए लल्लन टॉप की नई पहल रंगरूट से। रंगरूट, जहां बात होगी युवाओं की, बात होगी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस और करियर की। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबाकर शेयर करिए। शुक्रिया।